ऑल न्यूज़ से रौनक शुक्ला। अक्टूबर 2016 में जेएनयू छात्र नजीब अहमद का एबीवीपी कार्यकर्ताओं के साथ घर्षण होने के बाद वे गायब हो गए। नजीब अहमद के गायब होने के बाद कुछ ऐसी अफवाहें चलाई जा रही है कि वे आईएसआईएस से जुड़ गए हैं। ये अफवाहें सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी फैलाई जा रही है। हाल ही जब सोशल मीडिया पर मैं भी चौकीदार हूं का कैंपेन चलाया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने खुद स्वयं ट्वीट किया था। प्रधानमंत्री के ट्वीट की प्रतिक्रिया में नजीब अहमद की माता ने अपने लापता हुए बेटे के बारे में प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया था। ये देखा गया कि नजीब की माता के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर इस अफवाह को फिर से हवा मिल गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तस्वीर में काफ़ी लोग आईएसआईएस के बैनर के सामने खड़े हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीर का हवाला देकर ये कहने की कोशिश की जा रही है कि नजीब आईएसआईएस में शामिल हो गए हैं और वे इस तस्वीर में मौजूद हैं। एक साधारण रिवर्स इमेज सर्च करने पर ये पता चला कि ये तस्वीर 2015 में खींची गई थी। रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी द्वारा इस तस्वीर को प्रकाशित किया गया था। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक ये तस्वीर सिया फाइटर्स की है, जो कि इराक में स्थित तल साइबा शहर के एक दीवार के ऊपर काले रंग से रंगे हुए आईएसआईएस के झंडे के सामने अपनी तस्वीर खींचवा रहे हैं। तो ये अफवाहें कहाँ से शुरू हुई? सितंबर 2017 में तमिलनाडु की वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एक लड़का लापता हो गया था। उनके परिवार के साथ व्हाट्सएप बातचीत के आधार पर यह पाया गया कि वो आईएसआईएस में शामिल हो गया था और उस लड़के का नाम भी नजीब था। तो जाने अनजाने में 23 साल के लापता हुए नजीब को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के लापता हुए छात्र नजीब अहमद के साथ जोड़ दिया गया। नजीब अहमद का आईएसआईएस के साथ कनेक्शन की अफवाहें सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मार्च 2017 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों का हवाला देते हुए एक असत्यापित रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया कि नजीब अहमद आईएसआईएस का समर्थक था। बाद में ये रिपोर्ट असत्य साबित हुई थी। दिल्ली पुलिस ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में किए गए दावे को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया था और कहा था कि दावे में जरा भी सच्चाई नहीं है। यही खबर सोशल मीडिया यूजर्स को गुमराह करने के लिए बार बार नियमित रूप से शेयर की जा रही है। और इस तरह की खबरों से बचने के लिए ऑल्ट न्यूज़ से जुड़े रहिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। धन्यवाद।